किसी देना चाहते हैं आलू बेच लें, अगर ज्यादा इंतजार करेंगे तो और नुकसान भी हो सकता है। बाजार जहां तक बिक गई वहां तक बाजार पहुंचना बहुत नामुमकिन है यदि प्रकृति ने ना कुछ किया तो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत, मैं हूं आपके साथ राजीव। इस समय है सरोजनी देवी मेवाराम कटियार कोल्ड स्टोरेज देवकली, मेवा लाल कटियार कोल्ड स्टोरेज देवकली में। और अगर बात की जाए तो ये मकनपुर क्षेत्र में आता है। हमारे साथ मैनेजर साहब भी हैं, कई किसान भाई भी हैं। और सबसे पहले आपको दिखा भी दें बारंदे की स्थिति, तो बारंदे में आलू की कटाई हुई है और ये शायद आज सुबह का ही हुआ, तो इस पर भी चर्चा होगी। और सामने की तरफ आलू की निकासी चल रही है, उधर भी कटाई चल रही है, तो वो भी देख सकते हैं। तो मैनेजर साहब बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई, पिछले साल भी हुई थी, इस बार नए सिरे से, तो इस बार बताइए क्या पोजीशन चल रही है अपने कोल्ड में? पोजीशन ठीक है, बिक्री भी ठीक है, कटाई भी ठीक है। हमारे यहाँ अन्य कोल्ड स्टोरों से हमारे यहाँ बहुत अच्छी कटाई है। पिछले साल की अगर बात की जाए तो पिछले साल से आप बराबर में चल रहे हैं या ज्यादा निकल गया? हम बराबर ही में बल्कि ऊपर ही होंगे, कम नहीं है। हम नहीं कम इस टाइम में, टाइम के हिसाब से देखा जाए तो। क्या लग रहा है इस साल तो दीपावली भी तो लेट है? इस बार लेट है, लेकिन किसान इस टाइम बेचने के लिए थोड़ा ढीला है। अगर वो आए तो, और बिक्री भी सुस्त है कुछ मंडियों में, तो अगर वो आए टाइम पर तो आलू निकल सकता है, जो भी 2-4% आलू छूट सकता है हमारे यहाँ इसके ऊपर छोड़ने की। पिछली बार अगर प्लस है तो कुल मिला के निकलने का चांस? हाँ, निकलने का हमारे यहाँ बन रहे हैं। अगर आस पास की अपने की जाए अनुमान तो क्या लग रहा है वहाँ के? अनुमान तो पीछे है, मकनपुर क्षेत्र में 5 कोल्ड आते हैं, दोनों में क्या वहाँ नहीं, वहाँ निकासी इससे माइनस है, माइनस। अगर बात की जाए तो 40% आसपास होगी मकनपुर क्षेत्र में निकासी, 40 से पीछे हट जाएगा। अगर वहाँ पूरा निकाल लिया जाए 35 करीब होगा, 35-40 के बीच में, 35-40 बीच में होगा, 35-40 के बीच अनुमान। तो अपने बीज वाला, जैसे कि हम लोग पूर्व में देखते रहे कि कच्ची आलू की बुवाई का समय जब आया था तो बीज के लिए भी याद मिल जाता था, तो कच्ची बुवाई हम लोग कब से चालू करेंगे? कच्ची बुवाई यही समझो 10 सितंबर से आलू हमारे यहाँ निकासी जीजा लगभग किसानों की जिस तरीके से उम्मीदें हैं लगभग ले जाना शुरू कर रहे हैं, अगर मौसम सही रहा तो। अगर पक्की वाली बुवाई तो समय होता होगा दीपावली का? वो तो दीपावली क्या, वो तो वही 15 अक्टूबर से मतलब पक्की कढ़ाई शुरू कर देते हैं, जैसे सिंदूरी है, चिपकोना है, ये फर्स्ट कढ़ाई करते हैं, हालैंड है, ये कंचन है, थोड़ा 25 अक्टूबर के बाद कढ़ाई करते हैं। अनुमान क्या कह रहा है, अपना अनुमान क्या कह रहा है इस साल क्या पोजीशन रहेगी, निकल जाएगा कोल्ड वाला आलू के उम्मीद गड़बड़ लग रही है? वैसे अगर इसी तरीके किसान ने अपना मन ना बनाया तो गड़बड़ तो है ही, और अगर जिस तरीके चल रहा है उसी चलता रहे तो फिर आलू निकल सकता, लेकिन 2-4 दिन से बहुत ढीला है किसान आने के लिए, आ नहीं रहा किसान। अगर कुल मिला के किसान आ नहीं रहा वही बात है, तो हमारे साथ व्यापारी महोदय हैं, तो व्यापारी महोदय चर्चा कर लेते हैं, बातचीत करें, तब तक आप बताइए तो क्या कह रहे हैं किसान आ नहीं रहा? आज 15 दिन हो गए भैया किसान आ ही नहीं रहा। एक बात हम भी देखते हैं कि कई कोल्डों में जाते हैं निकासी लगभग में, आप भी देखते होंगे वीडियो, तो निकासी लगभग बराबर ही चल रही पिछली साल। अक्सर मतलब माय वीडियो जैसे आप बना रहे हैं अभी, जैसे आप नेट पे डालोगे तुरंत आ जाएगा। नहीं तो आप देखते होंगे कि लगभग सभी कोल्डों में निकासी बराबर चल रही है, तो क्या लग रहा है इस बार अनुमान अपना बताइए, व्यक्तिगत अनुमान क्या कहता है? अनुमान ये, अनुमान तो ये है भैया कि जो है किसान तो आ नहीं रहा, अब आगे क्या होता है ये तो बताया नहीं जा रहा। पिछले हफ्ते कटाई ज्यादा हुई, पिछले हफ्ते ज्यादा हुई, पिछले हफ्ते निकासी ठीक रही, पिछले हफ्ते की अपेक्षा इस हफ्ते में निकासी स्लो। हमारे साथ सबसे अनुभवी व्यापारी है, तो एक चीज ये बताइए, अपना नाम बता दीजिए सबसे पहले। दीनू कटियार। दीनू कटियार जी, कटियार जी आप अपना अनुभव बताइए कि सबसे पहले, जैसे कि लोग कहते हैं कि अगस्त का महीना वो होता है कि जिसमें आलू बहुत कम निकलता है, क्या इस आपके विचार है? तो इस बार साल निकाल, इस बार भी तो कम ही निकला है लगभग, 2 हफ्ते हो गया कम निकला। तो क्या आप आगे की अगर बात की जाए तो जो आलू कोल्डो में रखा है इस आलू का क्या फ्यूचर लग रहा है? अभी देखो किसान ना आने पर क्या होता, क्या नहीं, किसान ही नहीं आ रहा, सन्नाटा पड़ा है, माल ही नहीं मिल पा रहा है लोगों, लेकिन सन्नाटा पड़ा, किसान नहीं आ रहा बाजारों में, हमने देखा कि कुछ सुस्ती है, सुस्ती वजह किसान नहीं आ रहा, और मंडी में माल पर्याप्त पहुँच रहा, पता नहीं इतने कोल्डे हुए समझ नहीं आ रहा। तो क्या लग रहा है इस साल कुछ मामला बैठेगा कि नहीं? लोग कुछ किसान भाई अभी इंतजार कर रहे हैं 1000 रुपए में पिछली बार, ना बहुत मुश्किल है। क्या कह रहा है? आप 5 समूह बिक जाए तो बहुत है, नहीं 5 समूह तो ऊर्जा वगैरह वाला तो चल रहा होगा व्यापारी, ऊर्जा तो बिक रहा है, ऊर्जा तो बिक रहा है, ऊर्जा अपने यहाँ सबसे नंबर है, कितने बिक रहा है? हमारे ऊर्जा है नहीं, किसान ऊर्जा है सादा है, सादा बिक रहा है, सादा चिपसोना वगैरह क्या चल रहा है? सादा चिपसोना बिक रहा है 350-400, और न्यू आईलैंड वगैरह
वो 400 पौने 400 सवा 400। अच्छा हाइब्रिड आलू पोजीशन बताइए, हाइब्रिड क्या चल रहा है? हाइब्रिड आलू नंबर एक मानो 225 रुपया, उसे 200 रुपया, पौने 200 सवा 200, बहुत भी आई भी 250। बहुत अच्छा है। 40 तो वही स्थिति है। अगर बात की जाए धरातल पे कन्नौज और कानपुर क्षेत्र में लगभग भाव अगर बात किया सेम भाव है, और निकासी की अगर बात की जाए तो कन्नौज के लगभग बराबर है, और मानीमो क्षेत्र की अगर बात की जाए तो मानीमो क्षेत्र से इधर क्षेत्र में निकासी कम है, क्योंकि हम लोग कन्नौज मानीमो क्षेत्र की बात कर रहे हैं और अराउंड तो लगभग 40% के आसपास निकासी पहुंच गई, आपके यहाँ कम है क्षेत्र। अपने गड़ाई में लगभग कितने परसेंट बीज वाला आलू जाता होगा? 30% गड़ाई चला जाता है। 30% चला जाता है तो 30-35 लगभग में अनुमानित अगर किया जाए राशन का आलू इस क्षेत्र में लगभग में 35% के आसपास अभी की अगर दिशा में देखा जाए तो बच रहा है। और क्या स्थितियां होंगी, समय भी अनुकूल अगर बात किया तो 2 से 2.5 महीने का समय बचा है, 2-2.5 महीने में क्या निकल सकता है नहीं निकल सकता उसके विषय में भी बातचीत करें तो मैनेजर साहब से एक अनुरोध यह है, किसान भाइयों क्या संदेश देना चाहेंगे? मैंने अरे किसान सबको संदेश ये देना चाहते हैं, आलू बेच लें, अगर ज्यादा इंतजार करेंगे तो और नुकसान भी हो सकता है, बाजार जहाँ तक बिक गई वहाँ तक बाजार पहुँचना बहुत नामुमकिन है, यदि प्रकृति ने ना कुछ किया तो, अगर प्रकृति ने किया तो एक समय की बात अलग है, लेकिन वैसे यहीं तक जो बिक्री अभी तक हो गई जुलाई में वो जुलाई की बिक्री के मुताबिक अगर अगस्त में इतनी हो जाती तो आलू की कुछ सोचा जा सकता था। जुलाई में जो बिक्री जिस हिसाब से हो गई उस हिसाब से अगर टिकता रहता तो शायद स्थितियां सामान्य जनक होती, और अगर वही बात की जाए सभी किसान भाइयों से निवेदन एक ही है कि अपने आलू को धीरे धीरे करके बेचते रहें, और आप वीडियो अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ये कानपुर क्षेत्र का अपडेट।